वेलकम बैक। આગળ વાત કરીએ તો ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાને કારણે દિલ્હીમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું છે, તો બીજી તરફ ઠંડી સાથે ગાઢ ધુમ્મસથી જનજીવન પર અસર જોવા મળી છે। ધુમ્મસને કારણે વાહન વ્યવહાર અને વિમાન સેવાને માઠી અસર પડી છે। લુક્સ લાઈક તો યે ભી કમ હૈ કમ્પેર ટુ દો દિન પહેલે। જી આજ થોડી સી રાહત હૈ। હા જી। इसके अलावा सर्दी और कोल्ड वेव जिस तरह से बढ़ रही है, तो क्या उपाय कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? मोस्टली हम लोग मास्क यूज करते ही हैं, बट अभी नहीं किया है, लेकिन रेयरली हम मोस्टली हम मास्क यूज करते ही करते हैं। मास्क यूज जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल सर्दी के साथ साथ पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। एग्जैक्टली आप बढ़ नहीं गया, ये पहले से ही है, तो यहाँ तो पॉल्यूशन ऑलरेडी है ही, तो वो तो हमेशा रहता ही है यहाँ पे पॉल्यूशन। अच्छा, अगर सर्दी की बात करें तो खाने पीने में क्या खास कुछ घर पे वही बनाया? घर का खाना, नॉर्मल डाइट, दाल रोटी चावल तो नहीं खाते हैं, तो वही सिंपल खाना, घर का खाना। खासकर जो लोग रोज घर से बाहर निकलना है, जिनकी मजबूरी है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनकी काफी दिक्कत बढ़ गई है सर्दी के कारण। मे बी बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम सिंस 8 ईयर्स, तो मैं तो 8 साल से रिमोट कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं आपको बताना चाहूँगा, बट हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम तो ऑब्वियस होती है। बताओ कि हाँ पिछले 2 दिन से ठंड ज़्यादा थी, कोई बाइक से ट्रेवल करता हूँ अपनी, तो आज ठंड कम है 2 दिन के मुकाबले और धुंध भी कम है। टू व्हीलर वालों के लिए तो और काफ़ी मुश्किल है। पूछो मत सर, मैं एक डेली ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से। हाँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है ठंड के मुकाबले में तो। और इसके अलावा प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। मैं हैंकी यूज़ कर रहा हूँ, हेलमेट तो है ही, हमेशा रहता ही है, तो हैंकी बेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि मास्क पहनना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हैंकी यूज़ कर लेता हूँ, बेस्ट है। और प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ गया है, हद से ज़्यादा महसूस होता है गले में। बिल्कुल, चेस्ट में, गले में ज़्यादा दिक्कत है, मेरी नॉर्मल आवाज़ है नहीं है वैसे। अच्छा। हाँ, तो गले में ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठंड की वजह से भी कह सकते हो या फिर पोल्यूशन की वजह से भी कह सकते हो, जो है तो